चिंतन पर्यावरण को बचाने की मुहिम में लगा हुआ है और अब इसमें कोल इंडिया का साथ भी मिल रहा है। कोल इंडिया चिंतन को 5 आगा कंपोस्टर्स दे रहा है। आगा कंपोस्टर एक कम्युनिटी कंपोस्टर है और इसमें हम अपनी कॉलोनी से निकलने वाला जैविक कचरा रोज डाल सकते हैं। 30 से 40 दिनों में कंपोस्ट तैयार हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी गंध नहीं आती है। इस कंपोस्टर की क्षमता 18 से 20 किलो प्रतिदिन है। अगर हम सब मिलके कंपोस्टिंग करें तो हम शहरों के कचरों के पहाड़ों को बढ़ने से रोक सकते हैं। पर्यावरण को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। चिंतन इस मिशन से जुड़ा हुआ है। आप भी हमारे साथ कदम मिलाइए और पर्यावरण की हिफाजत कीजिए। कोल इंडिया चिंतन को 5 बेलर दे रही है। बेलर एक कमाल की मशीन है। ये चीज़ों को कंप्रेस कर देती है जिसकी वजह से चीज़ें अपने आकार से लगभग आधी जगह घेरती है। अब इसका फायदा ये है कि हम अपने गोदामों में जितना माल बिना कंप्रेस हुआ रखते थे, बेल्ट करने के बाद हम उसको लगभग डबल रख सकते हैं। इसके अलावा कंप्रेस होने से चीज़ों में आग लगने की संभावना कम हो जाती है। एक बेलर की मदद से हम गत्ता, कागज़, टेट्रा पैक, टिश्यू और प्लास्टिक की थैलियाँ आदि को बेल कर सकते हैं। ये इन्हें कंप्रेस करके एक क्यूब का आकार दे देता है। ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है और इसके लिए हम कोल इंडिया का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम मनवरा बेगम है और मैं कूड़े का काम करती हूँ वेस्ट पिकर रूम में। मेरा नाम जयप्रकाश चौधरी है, वैसे सब लोग संतु करके बुलाते हैं और मैं जखीरा MRF में काम देखता हूँ। जो टू डोर का है ये सारा काम जो है उसको देखता हूँ। वहाँ का कूड़ा आता है और यहाँ सेग्रीगेट करके और रिसाइकलिंग के लिए भेजता हूँ। मेरा नाम श्री राम, मैं तो जखीरा में RF काम करते हैं। सारे चिंतन से कोल इंडिया से माल मिला था। मेरा नाम रमेश महते हो और मैं चिंतन से 17 साल से जुड़ा हूँ और चिंतन में ही काम करता हूँ ये कूड़े का। आज के टाइम में स्मार्टफोन के बिना ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा सकता है। मोबाइल नहीं था मेरे पास, बहुत दिक्कत होती थी। दूसरे के मांगना पड़ता था कि भाई साहब मुझे कहीं बात करा दो। बहुत परेशानी होता था, किसी से मतलब मांगते थे मोबाइल तो फ़ोन करते थे। चिंतन और कोल इंडिया की तरफ से एक मोबाइल का सहायता मिला है, जो ये मोबाइल है। मैं इससे बात भी करता हूँ और अपना काम भी करता हूँ। चिंतन के तरफ से हमें एक लैपटॉप दिया गया है जो कि कोल इंडिया ने दिया है और उस पर हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा है ताकि हम उसको किस तरीके से यूज कर सकें, अपना काम का जो ब्यौरा है कॉपी के जगह उस कंप्यूटर में डाल सकें, डाटा बना सकें। मेरे ज़िंदगी में स्मार्टफोन जब से आया मेरी ज़िंदगी एकदम से बदल गई है। मोबाइल नहीं था तो मेरे पास में कोई चीज़ का जानकारी नहीं होता था, जाके TV पे देखते थे तो पता चलता था। अब मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं इसमें ही समाचार और वीडियो और व्हाट्सएप सब देख लेता हूँ। फोटो भेजता हूँ कि माल के छूट गया इतना, तब भेजते हैं लड़के लाद के लाता है तो वहाँ भी जो होटल के सुपरवाइजर भी फ़ोन करते हैं, भेजते हैं मोबाइल पर व्हाट्सएप। पहले क्या था कि पहले अलग कॉपी होता था, गाड़ी का अलग होता था, MRF का अलग होता था, तो इस तरीके का अलग अलग कॉपियाँ होती थी जिसको संभालना भी मुश्किल पड़ता था और अभी आसान है। मौसम के बारे में जानकारी भी मिल सकती है मुझे और इसके बारे में हम योजना भी बना सकते थे। मौसम के बारे में हमें टच फोन से जानकारी भी मिल जाती है, उसके बारे में हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं कि अपना माल जो है कैसे ढक के रखें, कैसे उसको सूखा रखें और टाइम से हम अपने माल को निकाल सकते हैं। हम MS वर्ल्ड MS एक्सेल पे काम करते हैं। इसकी मदद से हम अपना कारोबार चला सकते हैं और लोगों के संपर्क में भी रह सकते हैं। कि हमको लैपटॉप सिर्फ अपने बैग में डाले और घर भी ले जा सकते हैं, ला भी सकते हैं, ऑफिस में भी रख सकते हैं। लेकिन जो हम काम कर रहे थे, जब कॉपी होते थे 10-10 कॉपियाँ इकट्ठा हो जाता था,
उसको रखने के लिए जगह चाहिए, तो आज वो चीज़ ख़त्म हो गया है लैपटॉप के आने से और हमारा काम आसान हो गया और हम एक ही चीज़ में सारे चीज़ को पिरो के रखते हैं। जब से मेरे पास मोबाइल आया है ऐसा लगता है सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में। इसलिए लैपटॉप और मोबाइल सभी के लिए ज़रूरी है। लोग को लगता है, हमें भी लगता था कि अरे बाहर लैपटॉप आएगा, हम कैसे काम करेंगे, क्या होगा। कहते हैं जैसे संगत में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। अब मैं स्मार्टफोन के संगत में रहती हूँ और स्मार्ट बन के रहती हूँ। लेकिन नहीं, जब हमको ट्रेनिंग दिया गया, जब हम उस चीज़ से सीखे तो हमको तो लगता है ये बामा दाहिना हाथ का खेल है, ये आराम से कोई भी आदमी सीख सकता है और कर सकता है। कुल मिला के मैं कहूँगा कि इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मोबाइल नहीं होने से जैसे हाथ हमारे काम करते हैं तो समझो हाथ ही नहीं है। फोन से मैं लोगों के टच में रह सकता हूँ। हम टेक्नोलॉजी के मदद से अपनी ज़िंदगी अच्छी बना रहे हैं। मैं कोल इंडिया और चिंतन को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे एक अच्छा दोस्त दिया। मैं कोल इंडिया को और चिंतन को मैं अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मोबाइल मुझे मिला है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी बदलाव आ चुकी है।